नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपकी एक बात में, जहां पे मैं आपको अपने देश की, विदेश की, प्रदेश की नई नई जानकारी और अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियों और विचारों को आपके साथ साझा करूंगा। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, इसके लिए वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए, हमें अपने कमेंट करें और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में बसा है दुनिया का सबसे अमीर गांव, बैंकों में जमा है लोगों के 5,000 करोड़ रुपए। दुनिया के सबसे अमीर गांवों में भारत का एक गांव शामिल है। ये गुजरात के कच्छ जिले में बसा है। इस गांव का नाम मतपार है। इस गांव के ज्यादातर ग्रामीणों की सैलरी शहर में रहने वाले लोगों से भी काफी ज्यादा है। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ के ज्यादातर लोग गाँवों में रहते हैं। हालांकि समय के साथ कई लोग शहरों की तरफ रुख करने लगे। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि शहर के लोग गांव के मुकाबले अधिक पैसे कमाते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। भारत के इस गांव का नाम दुनिया के सबसे अमीर गांवों में शामिल है। इस गांव में रहने वाले लोग भारत की आधी जनसंख्या, जो शहरों और कस्बों में बसती है, से ज्यादा अमीर है। इस वजह से इसका नाम दुनिया के सबसे अमीर गांवों में शामिल किया जाता है। मतपार गांव में करीब 17 बैंक हैं। इस गांव में 7600 से अधिक मकान हैं और सभी पक्के घर हैं। गांव के लोगों ने अभी तक बैंकों में करीब 5 करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं। जी हां, कच्छ जिले में मौजूद 18 गांवों में से एक का नाम मतपार है। जानकारी के मुताबिक इस गांव में रहने वाले हर शख्स के बैंक खाते में 15 लाख रुपए है। इस गांव में 17 बैंकों के अलावा स्कूल, कॉलेज, झील, पार्क, अस्पताल और मंदिर भी बने हैं। इसके अलावा यहां एक गौशाला भी मौजूद है। आखिर ये गांव क्यों है इतना अमीर? अब आप सोच रहे होंगे कि ये गांव भारत के बाकी गांवों से अलग क्यों है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोगों के रिश्तेदार विदेश में रहते हैं। इसमें यूके, अमेरिका, अफ्रीका के अलावा गल्फ के देश भी शामिल हैं। मतपार गांव के 65% लोग NRI हैं, जो अपने परिवार वालों को अच्छे खासे पैसे भेजते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो सालों से विदेश में रहने के बाद अब मतपार लौट आए हैं। यहां आने के बाद वो कई तरह के बिजनेस शुरू कर पैसे कमा रहे हैं। लंदन से है खास कनेक्शन। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1968 में मतपार विलेज एसोसिएशन का गठन लंदन में किया गया था। इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि विदेश में मतपार गांव के लोग एक जगह मीटिंग कर सके। इसका एक ऑफिस मतपार में भी खोला गया, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। भले ही इस गांव के 65% लोग विदेशों में रहते हैं, लेकिन उनकी जड़ें अपने गांव से गहराई से जुड़ी हैं। ये लोग विदेश में रहने के बाद भी ज्यादा खर्चीले नहीं हैं। इनका ज्यादातर पैसा बैंकों में जमा है, जिसके ब्याज से ही ये अपना मासिक खर्च वहन करते हैं। इस गांव में अभी भी खेती को ही रोजगार का मुख्य जरिया माना जाता है और यहां बने प्रोडक्ट्स ज्यादातर मुंबई में सेल के लिए भेजे जाते हैं, जो इनके लिए पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका है। तो मित्रों, कैसा लगा आज का ये हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलता हूँ आपसे अपने नए वीडियो में एक नए विषय की नई जानकारी के साथ। तब तक इंतजार कीजिए और नए नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।